आप ही लोगों की। अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे बात तो मेरा नहीं सुनिएगा। वो आगे आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों का कितना बात हम सुनते आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब ना। आगे बोलना है उनको, सुनिए। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ सब लोगों की राय से ना ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया था। हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए, तो इसीलिए रखा गया था उस दिन। आज उसी के लिए ये लाया गया है, और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के और सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65% ये और 10% तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए इतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए काहे के लिए। अरे बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना हम बोल रहे हैं, सुनिए ना। हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो, और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए, और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है आपको, वो भी एक आने वाला है। अब अगला वही है, और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे, और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है, तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है, और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे 50-50 लाख, अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तो 5 हजार भाई। अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे? विशेष राज्य सुना बैठक, अरे आप भूलिए मत, अरे भूलिए मत विशेष राज्य, अरे काहे बोल रहे हो भाई, यहाँ पर बैठा हुआ है सब सीनियर, आपको तो पटिया यंगर को दे दिया है मौका,
आई पुराना जो बैठा हुआ पूछ तो लीजिए इन लोग को, तो हम तो शुरू से कह रहे थे सदन का मान सही है, तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं याद करिए सभापति माननीय माननीय अध्यक्ष, हम ये कहेंगे कि इतिहास जानिए, सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न है जी, आई दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था, यही ना बिहार से शुरू हुआ था, हम लोग पिछड़ गए और आगे गया, तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, सबसे पौराणिक स्थल है इसको बड़ा बढ़िया होगा, तो सब मिल के चलिए ना, और लोगों को क्या पता है, कोई इतिहास देखना चाहता है पुरन का, पुराना सब चीज को देख न लीजिए कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था, आप पूरे देश को ही नहीं दुनिया भर में कहां कहां लोग गए, तो इसीलिए बिहार का एक अपना इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बड़ी अच्छा हो, लेकिन चलिए वो तो हम लोग मांग करते, अभी राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रख दिया गया है, अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिए और इसी पर हम लोग आगे पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे, यही हमारा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका को बधाई देता हूं और सब एकजुट होकर के एक चीज से एकजुट होकर के इसको सर्वसम्मति से पारित करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है। सुनिए ना, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ।